कितनी फूली हुई बलून की तरह पूरियां बनी है। वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं हलवा पूरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मैंने 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में बनाई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप आटा ले लिया है। इसमें मैं 1 कप सूजी यानी रवा ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून घी ऐड करना है। घी ऐड करके हम अच्छे से घी को आटे को मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हथेलियों की मदद से हमें आटे को घी में अच्छे से मिला लेना है। अब घी मिल गया है आटे में, मैं पानी डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और डाल के एक डो बनाना है। मीडियम कंसिस्टेंसी का डो बनाना है। चपाती की तरह सॉफ्ट भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है। अगर हम हार्ड बना देंगे तो सूजी फूलेगी नहीं। अब हमारा आटा रेडी है। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। कवर करके रखना है वरना ये सूख जाएगा आटा। तो जब तक हमारा आटा तैयार होता है हम पूरी हलवा बना लेते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी ऐड कर लिया है और इसमें 1 कप रवा ऐड कर रही हूँ और इसे हमें स्लो फ्लेम पर भूनना है। स्टोव की फ्लेम बिल्कुल कम कर देनी है और 10 मिनट के लिए इसे हिलाते हुए भून लेना है रवे को। इसे मैं ढांक दूंगी तो 2 मिनट के लिए और बीच बीच में हमें खोलते जाना है और फिर हिलाते जाना है। इस तरीके से जब हम भून के रवा बनाते हैं, रवा भून के जब हम हलवा बनाते हैं तो हलवा बहुत टेस्टी बनता है, दानेदार हलवा बनता है। देख सकते हैं आप, अब हमारा रवा अच्छे से भुन गया है, गोल्डन कलर का हो गया है और थोड़ा सा फूल भी गया है ये। अब हम इसे निकाल के साइड में रख देंगे और हलवा बनाना शुरू करेंगे। तो हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फिर से 1 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया है और इसमें मैंने 1/4 कप कटा हुआ नारियल यानी कोकोनट ऐड कर दिया है। इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसके साथ में मैंने 1 टेबल स्पून काजू काट के डाल लिया है। अब काजू और खोपरा गोल्डन होने तक मैं फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें 1 पिंच लेमन फूड कलर ऐड कर रही हूँ और साथ ही पानी भी ऐड कर दूँगी। तो 1 कप मैंने रवा लिया है तो 4 कप मैं पानी ऐड करूँगी और 1 कप ही शुगर और 1/2 कप घी। ये मेजरमेंट से आप हलवा बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। अब इस पानी में बॉईल आ गया है। अब मैं इसमें 2 से 3 पिंच हरी इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा हलवा बहुत ही खुशबूदार बने। अब मैं इसमें शक्कर ऐड कर दूँगी 1 कप और इसका एक शुगर सिरप तैयार कर लूँगी, लेकिन शुगर सिरप बहुत थिक नहीं बनाना है। जैसे ही थोड़ा सा ये शुगर सिरप बॉयल होके थोड़ा सा गाढ़ा बनने लगेगा हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है इसको हमें। अब हमारा पानी में बॉयल आ गया है हलवे के। अब मैं इसमें सूजी मैंने जो भून के रखी थी रवा वो ऐड कर दूँगी। रवा डालते वक्त हमें स्टोव की फ्लेम बिल्कुल कम कर देनी है नहीं तो रवा उबल के गिर जाएगा नीचे। जैसे ही ये पकना शुरू होगा हम इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे रवे को। देख सकते हैं हम कितना दानेदार हलवा तैयार हो रहा है। इसे मैं थोड़ी देर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लूँगी। अब हमारा पूरियों का आटा बिल्कुल रेडी है। मैं इसे थोड़ा सा गूंद के सॉफ्ट कर लूँगी पूरियाँ बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल नहीं किया है। देख सकते हैं आप, मैदा सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है तो इसीलिए मैंने आटे और रवे का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो बाहर जिस तरह से पूरी मैदे की बनाई जाती है आप बना सकते हैं। अब बिल्कुल तैयार है हमारा पूरी का डो तैयार है। तो अब मैं इसमें से थोड़े से छोटे पोर्शंस ले लूँगी। अब देख सकते हैं आप, हमारा हलवा बिल्कुल बनके परफेक्ट रेडी है। देख सकते हैं कितना दानेदार बना है। इसे हम साइड में रख देंगे गर्मा गर्म हलवे के साथ में पूरी बनाने के लिए। पूरी बनाना शुरू कर देंगे। आप भी इस तरीके के मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपका भी हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब मैं स्टोव की फ्लेम बंद कर दूँगी। अब मैंने यहाँ पर तेल चढ़ा दिया है। तेल एक बार गर्म होने के बाद में हम स्टोव की फ्लेम कम करेंगे। छोटे से पोर्शंस लेते जाऊंगी मैं और पूरी के लिए पेड़े तैयार करूंगी। पूरी आप अपनी मर्जी से बड़ी या छोटी बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ, बहुत छोटी भी नहीं बहुत बड़ी भी नहीं बना रही हूँ। इस तरीके से हमें पेड़े बना लेने हैं।
जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम स्टोव की फ्लेम कम कर देंगे। गरम गरम तेल में पूरी तली नहीं जाती, अगर हम गरम गरम तेल में पूरी तलेंगे तो पूरी सही नहीं बनेगी, बाहर से फ्राई हो जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी। अब हम पूरियाँ बेलना शुरू करेंगे। इस तरीके से हमें मीडियम कंसिस्टेंसी की पूरी बनानी है, ना बहुत ही पतली और ना ही बहुत ही मोटी यानी थिक पूरी नहीं बनानी है, मीडियम कंसिस्टेंसी की बनानी है। देख सकते हैं आप मैं कितना बेल रही हूँ। तो आटा हमारा इतना अच्छा रेडी हुआ है कि पूरी हमारी 2 मिनट में रोल हो रही है। अब हम एक एक पूरी इसमें डालकर तलेंगे। अब मैं स्टोव की फ्लेम मीडियम कर दूंगी। मीडियम फ्लेम पे मैं इसे इस तरीके से पूरी बीच में डालनी चाहिए और डाल के इस तरीके से हम ग्रिडल के से इसे दबाएंगे, यानी अगर कबगीर से दबाएंगे तो इस तरीके से हमारी बलून की तरह फूली हुई पूरी रेडी हो गई। देख सकते हैं आप, अब पूरी गोल्डन फ्राई हो गई है, दोनों तरफ से गोल्डन हो गई है। इसे मैं निकाल लूँगी और बाकी की पूरियाँ भी इसी तरीके से तल लूँगी। देखिए पूरियाँ पूरी रेडी हैं, अब मैं तलूँगी। आप जानते हैं मैं कम तेल में पूरियाँ तलती हूँ, कोई भी मैं डीप फ्राई करती हूँ तो बैचेस में करती हूँ और कम तेल में इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि तेल को रीहीट करना बिल्कुल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब देख सकते हैं आप पूरियाँ भी हमारी रेडी हैं। तो अगर आपको मेरी ये हलवा पूरी की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल प्योर कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।